Hi guys, Julie, welcome back to my channel. Welcome back guys. If you're new to my channel, it's me Padma. I'm from Ladakh. Finally, Padma Ladakh जाने वाली है 3 साल के बाद. 3 साल मैं बेंगलोर में कॉलेज कर रही थी तो फाइनली मेरा ग्रेजुएशन हो गया. मैं कल रात को घर वापस जाने वाली हूँ. कल रात को मेरा फ्लाइट है तो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे फैमिली मेंबर्स को, मेरे जितने भी कजन्स हैं मुझसे छोटे एज में, जितने भी कजन्स हैं उन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ. तो मैंने बहुत कुछ शॉपिंग किया है. मैंने अपना लास्ट मंथ का जो मुझे पैसा आया था वो पूरा मैंने खर्च कर लिया गाइस. मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ बेंगलोर में कभी वापस नहीं आऊँगी. तो मैंने सोचा कि मैं, मेरे जितने भी कजन्स हैं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी. सोच के मैंने बहुत कुछ शॉपिंग किया है गाइस. तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब दिखाऊंगी. मैंने सोचा कि मेरे इस मेहनत के कमाए हुए पैसे से मैं सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेके जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे दूसरों को गिफ्ट देना बहुत पसंद है. उनको गिफ्ट देके उनका रिएक्शन देखना, वो सब मुझे बहुत पसंद है. तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैंने अपनी छोटी बहन के लिए किया है. बहुत कुछ लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने बहुत कुछ लिया है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. तो सबसे पहले मैंने अपनी बहन के लिए ये स्कूल यूनिफॉर्म शूज लिया है. ये साइज आना चाहिए, बाकी तो बहुत अच्छा है ये शूज. उसके बाद उसके लिए मैंने एक क्यूट सा छोटा सा हैंडबैग लिया है. देखो गाइस कितना क्यूट है ये. इसका ऐसे कर साइड में रखने के लिए भी वो है तो कितना अच्छा है. देखो अब देखो धीरे धीरे गाइस, कुछ कुछ तो मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया था. आप लोग देख लो मैंने उसके लिए कितना सारा शॉपिंग किया है. मैंने ये सब कुछ एक दिन में शॉपिंग नहीं किया है. मैंने पहले से उसके लिए शॉपिंग करके कलेक्ट कर रही थी. उसके लिए मैंने ये 3 घर में पहनने के लिए, मम्मी बोल रही थी कि उसके पास घर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. ये 3 घर में पहनने के लिए ट्राउजर, क्या बोलते हैं, लेगिंग्स, ऐसा कुछ मैंने लिया है. एक टी शर्ट लिया है क्यूट सा. अब पता नहीं वो जल्दी लंबी हो जाती है इसीलिए उसको साइज आना चाहिए. और ये एक टॉप, कितना कलर अच्छा है. और उसके बाद ये चुन्नी, ये वाला सूट, ये सेट वाला जो मैंने पहले वीडियोस में भी दिखाया था, ये ऐसा वाला सूट, कुर्ती जैसा छोटा छोटा, चुन्नी, ये सब मैंने पहले दिखाया था ना आप लोगों को. तो ये 2 सेट लिया है मैंने, एक ये सेट, दूसरा ये सेट. ये तो मेरा फेवरेट है. इतना क्यूट सा स्वेटर देखो गाइस, कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे डिजाइन बनाया है फ्लावर का. लद्दाख में ज्यादातर स्वेटर्स ही काम आते हैं, शर्ट्स ये सब तो उतना काम नहीं आते हैं. इन सब का तो मौसम सिर्फ एक मंथ ही रहते हैं, बाकी ठंड होते हैं. स्वेटर की तो बहुत जरूरत पड़ती है लद्दाख में. तो ये एक स्वेटर, ये एक जीन्स, और उसके लिए एक जैकेट. कितना सारा मैंने लिया है उसके लिए, वो तो बहुत खुश होने वाली है. कुछ कुछ चीज़ों के बारे में तो मैंने उसको बताया था कि मैंने तुम्हें ये लिया है, ये लिया है. ज़्यादातर उसको इन सब के बारे में पता नहीं है तो उसको मैं सरप्राइज देने वाली हूँ. तो ये कोट तो इतना अच्छा है. और मैंने अपने दूसरी वाली बहन के लिए ये हैंडबैग लिया गाइस. ये H&M से लिया था, H&M में सेल चल रही थी उस वक्त मैंने लिया था ये वाला. उसके बाद ये हील, ट्रेडिशनल ड्रेस के नीचे पहनने के लिए ये बहुत काम आने वाले हैं. और इतना कंफर्टेबल है गाइस ये हील, इतना सॉफ्ट है ये. तो ये मैंने जब मैं कॉलेज ट्रिप में गई थी केरला तो वहाँ से मैंने ये लिया था. तो मेरे पास 2-3 हील है तो उसको मैं चूज़ करने के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि उसको जो पसंद आए वही लेने के लिए बोलूँगी. वैसे मैंने उसके लिए ये लिया था. और उसके लिए एक शर्ट लिया था, ये वाला शर्ट. आजकल ये वाला शर्ट थोड़ा ट्रेंड चल रही थी तो ये वाला उसका गिफ्ट हो गया. अब मैं मम्मी पापा का गिफ्ट दिखाऊंगी. तो मैंने अपने पापा के लिए एक शूज़ ढूंढ रही थी बट मुझे उतना अच्छा शूज़ नहीं मिला. तो मैंने पापा के लिए एक जैकेट लिया है, ये ब्लैक जैकेट. विंटर्स में काम आएंगे, लद्दाख में ज़्यादातर जैकेट ही काम आते हैं. तो ये वाला जैकेट लिया है. आई होप साइज आना चाहिए, बाकी तो अच्छा लगे या ना लगे कोई बात नहीं. गिफ्ट्स तो गिफ्ट होते हैं तो इसीलिए साइज आ जाए बाकी तो कोई बात नहीं. और 2 जैकेट लिया है, एक हाफ ये वाला, 2 जैकेट. मैं मम्मी को मैंने क्या क्या लिया है वो आपको दिखाऊंगी. मम्मी के लिए मैंने लिया है ये गाइस,
हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर मम्मी पहन सकते हैं, ऐसा मम्मियों को बहुत पसंद होते हैं। तो ये लिया था, ये दो कलर में लिया है मैंने। इसका ओरिजिनल प्राइस था 3099 और मुझे ये मिला सिर्फ 400 में गाइस। ये वाला पर्पल कलर में मैंने लिया। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मोटा है, तो विंटर्स में भी हम पहन सकते हैं। ये एक जैकेट, ये भी मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था, ये वाला जैकेट मम्मी के लिए। और ये वाला गाइस, ये कितना क्यूट है, ये क्यूट सा, ये फ्रॉक बोलते क्या बोलते, ये स्कर्ट, ये मैंने अपने सबसे छोटे वाले कजिन के लिए लिया है, मेरे मामा की बेटी के लिए। अभी वो सिर्फ 1 साल का ही है, तो आई होप उसको भी ये आ जाए। थोड़ा मैंने बड़ा साइज में लिया था क्योंकि जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसीलिए। कितना क्यूट है देखो। और फिर मैंने अपने बुआ के लिए एक कुर्ता लिया, कुर्ती, ये ब्राउन कलर कुर्ती मैंने अपने बुआ के लिए लिया है। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि मैंने कितना सारा शॉपिंग किया है, बट ये सब कुछ मैंने पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके मैं कलेक्ट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबके लिए ले रही थी, इसीलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये क्यूट सा बॉटल गाइस, ये बॉटल और ये टिफ़न मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। उसके लिए तो मैंने 10 से ज़्यादा आइटम लिया है, तो वो बहुत खुश होने वाली है। आप लोगों को मैं उसका रिएक्शन भी दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। कितना अच्छा है ये टिफ़न, पिंक कलर, सब कुछ मैंने पिंक ही लिया है, उसको पिंक ही पसंद होती है। और मेरी जो मैंने पहले बोला था ना, मेरी छोटी, सबसे छोटी वाली कज़न के लिए ये बॉटल लिया है, वो ऐसे करके पहनेगी और ऐसे करके पिएंगी। मेरे 2-3 और कज़न्स हैं, उन सब के लिए मैंने ये बॉटल्स लिया। और ये बॉटल तो मैंने खुद के लिए लिया, कितना अच्छा है, कप जैसा। और मेरे और कुछ और कजन्स हैं, तो उनके लिए मैंने ये डायरीज लिया है। आई विल मेक श्योर दैट मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, मेरे जितने भी कजन्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबके लिए मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेके जाना चाहती थी, चाहे वो एक डायरी ही क्यों ना हो, मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ लिया है। किसी के लिए डायरी, किसी के लिए कपड़ा, किसी के लिए बॉटल्स, किसी के लिए टिफ़िन्स, किसी के लिए कुर्ती, वो सब। और मेरे बुआ की बेटी के लिए ये हुडी क्या बोलते हैं, ऐसा जंपर जैसा कुछ है ये। और मेरे बुआ के लड़का के लिए ये शर्ट, एक जीन्स, ये वाला जीन्स, और ये मेरे बुआ के लड़का के लिए। तो इस बार मैंने खुद के लिए उतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया है, मेरा पूरा लगेज पूरा फुल है गिफ्ट से। मैंने अपना सारा कुछ, सारा जितने भी मेरे कपड़े हैं, जितने भी मेरे सामान हैं, वो सब कुछ मैंने पार्सल में सेंड कर दिया है। ज़्यादातर कुछ रह गया है, वो मैं कल सेंड करूँगी, 2 बॉक्स अभी सेंड करना बाकी है। बाकी तो मैंने अपना सामान सब कुछ मैंने पार्सल कर लिया। मैं अपने बैग में पूरा फुल गिफ्ट्स लेके जाने वाली हूँ। मैंने स्टूडेंट टिकट बुक किया था, तो मेरा लगेज 25 kg है और हैंड लगेज 7 kg, तो आई होप ये सब कुछ आ जाए। मेरे 2-3 और बुआ है, उनके लिए भी मैंने ये कुर्तीज लिया है, ये कुर्ती, ये एक और कुर्ती। ज़्यादातर मैंने ब्राउन डार्क ऐसा कलर ही लिया है, ये एक कुर्ती। और मैंने ये मेरी दीदी के लिए लिया है ये कुर्ती, ये मैंने अपने बड़ी मम्मी के लिए ये कुर्ती, 3-4 कुर्ती लिया है मैंने ये कुर्ती। आई नो इस बार थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया इन सब चीज़ों को खरीदने में, मुझे थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे दूसरों पे खर्चा करने में बहुत खुशी होती है, दूसरों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए बहुत खुशी होती है। जब मैं खुद पे शॉपिंग करती हूँ, खुद के लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे खरीदने के बाद रिग्रेट होती है कि यार मेरा आज 2000 खर्च हो गया, ऐसा बोल के मुझे बहुत दुखी होती है शाम को। बट मुझे गिफ्ट्स खरीदने के बाद खुशी होती है, गिफ्ट खरीदने के बाद मुझे उतना वो रिग्रेट नहीं होता है कि मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया बोल के। इसीलिए मैंने इस बार ये सब खर्चा किया है। मेरी मम्मी बोलती रहती है कि प्लीज़ तुम सेव करना सीखो, पैसा सेव करो, तुम्हें फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत होगी, सेव करो, ऐसा बोलती है। बट मुझसे नहीं हो पाई, मैं उतना ज़्यादा सेव नहीं करती हूँ। बट अब मैं लद्दाख जा रही हूँ, तो लद्दाख में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट मंथ से थोड़ा सेव करने की ट्राई करती हूँ, थोड़ा अपना पैसा सेव करती हूँ। नहीं तो आज तक मैं पूरा
उड़ाते आई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सारे गिफ्ट्स को देने के लिए। और मैं हो सके तो वीडियो भी बनाऊंगी या रिएक्शन वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे मेन चीज मैं भूल गई गाइस, रुको। तो जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये न्यू फोन गाइस। इस फोन को खरीदने के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी इस गिफ्ट को लेने के लिए। ये फोन मैंने अपने मौसी के लिए लिया है। तो मेरी मौसी रोज हर टाइम हम सारे कजन्स को पैसा सेंड करते रहते हैं, खुद कुछ भी नहीं खरीदते हैं, खुद के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती है। खुद के पास इतना पुराना सा फोन है, उसका स्क्रीन भी टूटा हुआ है, वो फोन भी सेकेंड हैंड है। मैं मौसी को रोज बोलती हूँ कि आप क्यों नहीं लेते हो नया फोन ऐसा ऐसा, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है ऐसे चीजों में। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने मौसी को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी नए फोन से, तो मैंने ये नया फोन लिया है। मेरे मौसी को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं वहां पे जाके सरप्राइज करने वाली हूँ गाइस। तो ये रही फोन, नया फोन रेडमी है। रेडमी उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे मौसी के लिए, ठीक है। उसके पास इतना पुराना फोन है, आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मौसी का फोन। तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब गिफ्ट को देने के लिए। और साथ में मैंने एक कवर भी लिया है, ये वाला कवर इस फोन के लिए, तो मेरे बड़ी मम्मी की बेटे के लिए। ये दूसरा, ये टी शर्ट, इसके बैक पे एक डिजाइन है। ये बस हो गया गाइस, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेने के लिए मैंने अपने मम्मी पापा से एक रुपये भी नहीं लिया है। मैंने ये सारा कुछ, सब कुछ मैंने खुद के पैसे पे लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। चाहे मेरा पैसा खर्च हो गया, बट फिर भी कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ की मेल होती है, कभी आती है कभी जाती है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये सारा कुछ पैक करना है, हैंडबैग, लगेज, ये सब कुछ मुझे पैक करना है, पार्सल पैक करने हैं। तो बस गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए होंगे। सो बाय बाय, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। देखो हॉल बनाने के बाद का हालत, तो ये सब कुछ मैंने लिया है, सारा का सारा गिफ्ट है मेरे फैमिली के लिए, मेरे कजन्स के लिए। तो आई एम सो एक्साइटेड गाइस।